एटलस वर्टिब्रा जो पहली हड्डी है वर्टिब्रा है गर्दन में सर्वाइकल में सर से बिल्कुल नीचे, इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले रिलीज़ की जा चुकी है ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो ऑन द फेसबुक। इस मुख्तसर बयानिए में वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बहुत मुख्तसर तरीके से प्रोस्पेक्टिव पेशेंट्स को ये बताया जा सके कि किस तरीके से आपको इस प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा गुजारा जाएगा। आपको सबसे पहले क्लिनिक में वेलकम किया जाएगा और उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाएगा, एक प्रेजेंटेशन, वेरी शॉर्ट ब्रीफ प्रेजेंटेशन अबाउट एटलस वर्टिब्रा, उसके क्या क्या मुजमरात हैं उसकी मैल रोटेशन की, इधर दिस वे और इन दिस डायरेक्शन ऑफ मैल रोटेशन। फॉर्म फिल करवाएंगे आपसे जिसमें आप अपनी हिस्ट्री बयान करेंगे और उसके बाद फिर आपको गुजारा जाएगा कुछ टेस्ट के मराहल से। ये टेस्ट नॉन इन्वेसिव होंगे, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, किसी किस्म की पंचरिंग ऑफ स्किन इन्वॉल्व नहीं है और उसके बाद फिर उसका तयन किया जाएगा कि आपके एटलस की मैलोटेशन किस हद तक या राइट पे है, लेफ्ट पे है या स्टक है इन ईदर ऑफ द टू डायरेक्शंस। फिर उसके बाद एक्चुअल ट्रीटमेंट की जाएगी आपकी और जो जिसका दौरानिया तकरीबन 5 से 6 मिनट होगा और उसके बाद फिर आपको थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए सहूलत मुहैया की जाएगी 5 से 10 मिनट और उसके बाद फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जो कि फॉलोअप की हदायत पर मुश्तमिल होगा। इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट इस ट्रीटमेंट का बिल्कुल नहीं है। मोर देन 2 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन ट्रीटेड सो फार, यूरोप, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, और डॉक्यूमेंटेड है कि आज तक किसी को कोई साइड इफेक्ट्स इसके नहीं हुए। तो ये एक मुख्तसर तरीक़ाकार है जिसमें से पेशेंट्स को हम प्रोसेस करते हैं और अल्टीमेटली एटलस उनकी एडजस्ट की जाती है। मैंने बस वो आपकी वीडियो देखी थी इंट्रोडक्टरी, उसी सिलसिले में आपसे जो फ़ोन पे बात हुई थी तो उस सिलसिले में मैंने आपसे जो टाइम लिया था। राइट, मैं ज़्यादातर मालूम तो आपको मिल ही चुकी हैं, एज वी गो अलॉन्ग उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो ये सबसे पहली वर्टिब्रा आपकी जो है एटलस, इसको हम असेस करेंगे कि इसकी मैल रोटेशन किस तरफ है और है भी या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबल केसेस होती है लेकिन किसी ट्रॉमा की वजह से या कोई और एक्सीडेंट होने की वजह से डेफिनेटली इसमें एक्सेसिव मैल रोटेशन होती है, उसकी वजह से सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो एज अ फर्स्ट स्टेप आप ये फॉर्म फिल करेंगे, इसमें आपकी पूरी हिस्ट्री है, टेक अबाउट 10 to 15 मिनट्स और इस फॉर्म को फिल करने के बाद फिर हम आपके जो टेस्ट हैं वो शुरू करेंगे और टेस्ट के बाद आपके फिर एक्चुअल ट्रीटमेंट जो है वो हो। ठीक है, ठीक है। कुछ टेस्ट आपके अभी नॉन इन्वेसिव किए जाएंगे, उसके लिए आपको स्टूल लगाना पड़ेगा। स्पाइन को सीधा रखिए, ऊपर वाला बटन खोल दें। चेकिंग दी टोन ऑफ योर लोअर नेक मसल्स, प्रेस करने में बताइएगा कि आपको दर्द होता है। दर्द हो रहा है जी? हो रहा है। किस साइड पे ज्यादा हो रहा है, राइट पे लेफ्ट? इस साइड पे, लेफ्ट साइड। थोड़ा सा टर्न करें लेफ्ट पे, सेंटर टू द राइट, सेंटर आगे टच करें इसको, अपनी चेन को इसके साथ। एनी पेन अराउंड दिस एरिया? किस जगह और किस जगह पे? नीचे राइट सेंटर में आइए, वापस जाइए एक्सटेंशन में, पीछे गर्दन पूरी ले जा सकते हैं। किस जगह दर्द हो रहा है? बस वहीं पे, यहाँ खिंचाव पड़ता है इस जगह पे। राइट, लेफ्ट पे टर्न करें जितना टर्न कर सकते हैं कंफर्टेबली और बताएं कि किसी जगह कोई टेंशन है, किसी जगह पे गर्दन में ऊपर अपर बैक ये इस ऊपर वाली। राइट, दूसरी तरफ टर्न करें राइट पे। राइट, ठीक है, देखिए। अच्छा, आम लेफ्ट का टेस्ट मैं करूँगा पाँव आपके जमीन पे, हाथ दोनों साइड्स पे और ढीले रहेंगे आपके हाथ, तो आपको जब मैं पुल यू टुवर्ड्स मी तो आप शोल्डर्स आगे नहीं लेके आना। ठीक है, एक दफा फिर करेंगे।
अच्छा, इस पर लेट जाइए आप, जस्ट टेक योर शूज ऑफ और फेस डाउन प्लीज। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ढीला छोड़ दें लेग्स को, राइट लेग इज शॉर्ट। अच्छा, इस टांग को उठाइएगा और बताइएगा कि इस जगह पे, इस रीजन में किसी जगह आपको कोई डिस्कम्फर्ट या पेन है। बगैर खम दिए उठाएं इस टांग को। किसी जगह दर्द हो रहा है? जी जी, आप ये इस थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे इस जगह, राइट नीचे करें। दूसरी टांग उठाइए, राइट वाली। किसी का दर्द इतना ज्यादा नहीं, आठ में थोड़ी जगह है, लेकिन ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी बताइएगा जो टेस्ट बैठे हुए किया था, अभी इस पोजीशन में करेंगे, दर्द हो रहा है? किस साइड पे? लेफ्ट पे ज्यादा है, राइट, ओके। और आप सोच के बैठ जाइए। ये इक्विपमेंट हमने सेट किया है, ये मशीन है जिसके जरिए हम ये ट्रीटमेंट करेंगे आपकी ऑफ लोअर नेक मसल्स, और 5-6 मिनट का कंप्लीट प्रोसेस होगा। थोड़ी सी अगर डिस्कम्फर्ट हो भी तो आप सांस, जब मैं कहूँगा ब्रीद इन आप लेंगे और ब्रीद आउट, फिर आप सांस मुंह के जरिए बाहर निकालेंगे, हाथ दोनों आपके जानू पे होंगे, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कंटिन्यू। ठीक है, ठीक, बैठे हैं स्पेस रूम पे। कमर सीधी रखिएगा और बिल्कुल अपने रिलैक्स रखें मसल्स को। सर, मैं आपको ब्लॉक करूंगा ताकि आपकी मूवमेंट जो है वो मिनिमाइज की जा सके। ठीक है, your neck muscles are much more relaxed. काफ़ी मुझे इसमें चेंज और इम्प्रूवमेंट लग रही है। 3-4 दिन तक आपके ये लोअर मसल जो हैं हाथ लगाने पर थोड़े से सोर रहेंगे, दुखेंगे, जस्ट नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट। अब मुझे दोबारा वही टेस्ट करेंगे ताकि पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट रहेगा। लेफ्ट की तरफ देखिए आप, लेफ्ट की तरफ घुमाएँ, मच बेटर, रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया आपका राइट साइड पर, जो खिंचाव था गर्दन में बहुत होने के बराबर है, राइट। नीचे देखिए, मच बेटर, पीछे लेके आए, राइट। अच्छा, वही टेस्ट मैं करूँगा स्क्रू में, बताइए कि दर्द आपको होता है या नहीं होता, दर्द हो रहा है? नहीं, वो जितना पहले था एकदम हुआ था उस तरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। लेफ्ट पे देखिए, सेंटर, राइट, सेंटर। अच्छा, आर्म्स टेस्ट मैं आपका करूंगा उसी तरीके से, आप पांव जमीन पर रखिएगा और शोल्डर स्क्वेयर, एंड देन आपको बहुत फर्क था पहले दोनों आर्म्स का, जो कि बहुत कम रह गए, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, राइट, राइट। अच्छा, ये बताइए कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि आप किस वजह की
बेस की वजह से आप यहाँ पे आए और हाउ डू यू फील अबाउट द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग? दो तीन चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। तो मेरी जो जॉब है वो इस तरह की है कि मुझे मेरी सिटिंग बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ऑल आवर ड्यूटी आवर्स हैं जिसमें से 8 से 10 घंटे सिटिंग डेस्क पे बैठने के दूसरा ये था कि ट्रैवल भी है, ट्रैवल बहुत है बाय रोड भी बाय एयर भी, प्लस तीसरा कि मुझे बहुत अर्सा तक हाफ इसमें ना मुझे माइग्रेन जो होता है सर अच्छा। ये पूरा एरिया ये सारा मुझे वक्तन फवक्तन रहता था, तो बड़े मैंने इलाज वगैरह किए सारा के लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने नेट पे आपका ये सिलसिला देखा तो मुझे हुआ कि मैं कि आपको इस चीज़ के मतलब विजिट करना चाहिए मुझे। तो अभी जो आपने मेरा ट्रीटमेंट किया तो उससे मुझे एटलीस्ट अभी मुझे जो रिलैक्सेशन फील हो रही है इन मसल्स में और इस जगह पे और स्पेशली बैक में भी, तो विद इन फ्यू मिनट्स करने से अगर इतनी है तो फिर बाकी बढ़ गया। दूसरा एक बात मैं और अर्ज़ करूँ कि एवरीवन इज़ डिफरेंट, हर की फिजियोलॉजी मुख्तलिफ होती है, रिएक्शन मुख्तलिफ होता है। कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं टू फील एनी चेंज, कुछ को 2 मिनट लगते हैं, कुछ को 10 मिनट लगते हैं, सो एवरीवन इज़ डिफरेंट। किसी वक्त आपको ये भी हो सकता है कि आपको ऐसी जगह दर्द शुरू हो जाए जो पहले कभी नहीं हुआ, तो ये उसको हम कहते हैं ये आपकी बॉडी इज़ रिएक्टिंग पॉजिटिवली, ठीक है, उसके असर कबूल किया उसने, क्योंकि काफ़ी अर्सा तक एटलीस्ट मैल रोटेट होने की वजह से आपकी बॉडी जो थी दूसरी साइड पे कॉम्पेंसेट कर रही थी। तो अब जब वो दुरुस्त अपनी जगह पे आने के लिए हमने उसकी कोशिश की है वो आई गया ऐसा ऐसा, तो बॉडी विल ट्राई टू कॉम्पेंसेट अगेन टू गेट इनटू अलाइनमेंट विद द फर्स्ट वर्टिब्रा। तो सिलसिले में ये इंस्ट्रक्शन हैं ये हमने पब्लिश किए हैं। एक तो मुबारकबाद टू गेट दिस ट्रीटमेंट एंड माइंड यू ये मैंने जैसे कि पहले उस पर इब्तदाई में लिख लिया था कि ये ट्रीटमेंट इज़ ऑनली अवेलेबल इन पाकिस्तान इस सेंटर में और अमरीका यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बाद दिस द ओनली सेंटर इन द होल वर्ल्ड इन द रीजन जहाँ पर ये ट्रीटमेंट हासिल की जा सकती है। सो गुड लक विद योर हेल्थ। इसमें फॉलोअप के इंस्ट्रक्शन हैं, 2 से 3 हफ्ते के बाद आप फॉलोअप के लिए हमें कॉल करेंगे, हम मीटिंग आपकी अरेंज करेंगे विजिट, उसमें आपका दोबारा चेकअप होगा और उसकी जो फॉलोअप की जो फीस है वो नहीं है, वो ऑलरेडी कवर्ड इन योर फर्स्ट ट्रीटमेंट। अच्छा अच्छा। और ये आपको ज़िंदगी में एक बार ट्रीटमेंट चाहिए, एक बार करवानी है अनलेस के खुदा खासा दोबारा आपको ट्रॉमा हो, तो फॉलोअप में हम देखेंगे कि अगर कोई ज़रूरत महसूस हुई उसको दोबारा एडजस्ट करने की वो करेंगे, बट दैट विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गुड लक विद योर हेल्थ। थैंक यू।